हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओए सोनिया ब्लॉग में। सो गाइस, चांदनी चौक हम सब निकल चुके थे। क्या करने गए थे, किस लिए गए थे, क्या ख़रीदारी करने गए थे, आप लोग व्लॉग को एंड तक देखते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। और हम थे अभी चांदनी चौक की गलियों में। चांदनी चौक की गलियां जो है कैसी कैसी है आप लोगों को सब पता है। और यहाँ हम निकल चुके थे शादी की शॉपिंग करने। जैसे कि आपको पता है मेरी है नंद की शादी होने वाली है मार्च में, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो उसी के लिए लहंगे की शॉपिंग करने, ब्राइडल लहंगे के लिए हम चले गए थे चांदनी चौक। हम सब फैमिली और बहुत जने गए थे। सो यहाँ पर देखे लहंगे, और यहाँ पर जो है हमारा लास्ट शॉप पर आए थे। बाकी इससे पहले बहुत सारे शॉप पर गए थे लहंगे शॉप पर। यहाँ पर हमने अपना लहंगा जो है फाइनल कर लिया था, जो हमें लेना था ट्राई भी किया। इससे पहले हम बहुत सारे शॉप में गए थे, वहाँ पर ना जो है लहंगे की जो है वीडियो नहीं बनाने देते हैं, पता नहीं क्यों। बाद में मुझे समझ में, इसलिए नहीं बनाने देते कि वो लोग ना डरते हैं कि हम फोटो वीडियो खींच के किसी और शॉप पर जाके उनकी फ़ोटो वीडियो दिखाएंगे चाहे वैसा लेंगे, इसलिए ना वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ पर लहंगा हम खरीद लेते हैं फाइनल हो जाता है, वहीं पर आपको अलाउ करते हैं कि आपको वहाँ फ़ोटो वीडियो जो है आप ले सकते। तो यहाँ पर जो है हमारा जो लहंगा है फाइनल हो गया था। तो यहाँ पर जो है हमने थोड़ी बहुत जो है वीडियो बना ली। इससे पहले बहुत सारे शॉप पर गए थे लहंगे में, ना गाइस हमारे 3-4 घंटे ऐसे लग गए ना कि हालत ख़राब हो गई थी। गलियाँ घूम घूम के कि क्या ही बता। मतलब शादी की शॉपिंग करनी ना गाइस इतनी भी जो है आसान नहीं होती है, और हमें भी इतनी ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही थी कि ना कि जहाँ हमें पसंद आ रहा था वहाँ पर रेट नहीं हो रहा था, जहाँ पर रेट था वहाँ पर पसंद नहीं आ रहा, दोनों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी इस वजह से। तो हमें ज़्यादा महंगा भी नहीं चाहिए था, क्योंकि लहंगा एक बार पहनना होता है, तो पैसे सिर्फ लहंगे में ही क्यों इतना वेस्ट करें। इसलिए रीजनेबल रेट का ही लिया, ज़्यादा महंगा भी नहीं, क्योंकि एक बार पहनना होता है तो इतने सारे पैसे इसमें फंसाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए तो ये हमने ना अपना मनपसंद जो लहंगा है ब्राइडल का ट्राई करवा के, 2-3 लहंगे ट्राई करवाए थे, 3-4 पसंद करके, उसमें से जो हमारा फाइनल लहंगा जो है ले लिया था। और आप लोगों को मैं ना अभी बताऊंगी नहीं कि मैंने हमने जो है कौन सा लहंगा लिया, आप लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप सब बताओ कि आप लोगों को कौन सा लहंगा जो है सबसे सुंदर लगा, और हम गैस करो कि हमने जो है कौन सा लहंगा लिया है, कौन से कलर का, कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस वीडियो आप लोग देखते रहिए एंड तक, आप लोगों को पता चला हमने चांदनी चौक से क्या क्या शॉपिंग की और हमने लड़के के लिए क्या लिया है। यहाँ पर जो है हमारा लहंगा आ चुका है खरीद के, और इस महारानी ने लगा दिया पूरे 5 घंटे लहंगे खरीदने में। अब बेचारे लड़कों लोगों का क्या हाल होता होगा, हमारे साथ लहंगे की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। ओ माय गॉड, लड़कियां लड़कियां खुद जाए, हम लोग को ना लेके जाए। तो बहन की शादी में इतना जो है सैक्रिफाइस, शादी है तो भाभी जाएगी बहन की, और कौन जाएगा, मम्मी जाएगी, बहन का भाई भी जाएगा, भाई जाएगा 5 घंटे। और यहाँ पर हमारे सुबोध जी गायब हो गए हैं, बाथरूम में जाने के लिए मिल नहीं रहे, वो रहे। और हम सब पहुंच गए शेरवानी की दुकान में। शेरवानी तो गाइस हमने देखते ही, जो हमने फर्स्ट देखा था ना, ट्राई किया था, वही लिया। इसके अलावा हमने एक दो शेरवानी जो एक्स्ट्रा देखे थे वो हमें पसंद नहीं आया। शेरवानी की दुकान पर हमें शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमने फर्स्ट देखा, फर्स्ट ही लिया, और बहुत अच्छा लग गया था कि इसके ज़्यादा हमने ट्राई नहीं किया। उसके बाद इन्होंने ये वाली शेरवानी दिखाई जो इतनी बेकार लग रही थी ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे तो ये पसंद नहीं आई थी। मुझे क्रीम कलर की जो शेरवानी जो सबसे फर्स्ट ने पहन रखे ना, ये मेरे देवर है तो इन्होंने पहना हुआ था, और ये थी थर्ड वाली बहुत सुंदर थी। बट ये वाला हमने नहीं लिया था, सबको ना जब हमने फर्स्ट में जो क्रीम कलर का पहना हुआ था ना, वो ज़्यादा सुंदर सी लग रही थी, तो हमने यहाँ पर ले ली थी शेरवानी। आप लोग बताओ कि आप लोगों को शेरवानी जो है कैसी लग रही है। शेरवानी तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर थी। मैंने तो जो है लड़के के लिए शेरवानी ले ली थी, उसके बाद मेरे हबी को मन किया कि कुछ ना कुछ जो है अपने लिए भी ट्राई करें। यहाँ पर इंडो वेस्टर्न लिए, ट्राई कर रहे थे कि पसंद आ जाए, बट इनके साइज़ का मिल नहीं रहा था, थोड़ा सा लूज़ था, फिटिंग का नहीं था, बट इन्होंने लिया नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी जगह से ले लेंगे करोल बाग से, तो करोल बाग से ही लेकर आए हैं अपने लिए। हमने यहाँ पर शेरवानी भी खरीद लिया है दूल्हे राजा के लिए। अब शाम के बज चुके हैं 6-12 बजे से घर से निकले हुए हैं, अब चले अपने अपने घर कुछ खा पी के वाइन कलर में। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है हम सब गए थे चांदनी चौक, चांदनी चौक से हम लोगों ने की थी शॉपिंग।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में है शादी, तो चांदनी चौक गए थे। चांदनी चौक से हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, कपड़े वगैरह सिर्फ मैंने मेन मेरे मतलब मैंने सिर्फ 3-4 चीज़ें ली थी चांदनी चौक से, इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं लिया था। लहंगा शेरवानी आप लोगों ने देख लिया है, और सबसे बड़ी बात मैंने अपने लिए साड़ी ली थी, और साड़ी मैंने पता शाम को हम 6 बजे वहाँ से निकल गए थे शेरवानी लेने के बाद, उसके बाद मैं चली गई थी साड़ी लेने, और मैं अपने लिए लेकर आई साड़ी, और इतनी सुंदर इतनी प्यारी साड़ी ली हूँ ना, जैसी साड़ी मुझे चाहिए थी सेम डिट्टो मैंने वैसी ही साड़ी ली है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस साड़ी के लिए ना कम से कम मैं 10 दुकानें गई थी कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था, कि मुझे ना नेट वाली साड़ी चाहिए थी और बहुत हैवी उसमें चाहिए था साड़ी, मुझे मिल नहीं रही थी, मतलब कलर जैसा मिल रहा था साड़ी नहीं मिल रही साड़ी, मतलब किसी किसी में ना प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसा चाहिए था ना वैसा मिल नहीं रहा था। एक साड़ी के चक्कर में ना चांदनी चौक कितने धक्के लगाए कि क्या बताऊँ। पहले लहंगे के लिए शेरवानी खरीदने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एक शॉप में गए और हमें पसंद आ गया लहंगे के लिए बहुत ज़्यादा, फिर हमें ली साड़ी। हम पता है हम ना गए थे दोपहर में 1 बजे और हम आए थे रात को 9 बजे, मतलब चांदनी चौक ऐसी मार्केट है ना कि आप जाओ वहाँ पर ना 1-2 घंटे तो उसमें चांदनी चौक मार्केट में बहुत घंटे लग जाते हैं, मतलब कि सुबह जाओ तो शाम को आओ, दोपहर में जाओ तो रात को आओ, सेम ऐसा ही हुआ था। तो चलिए आप लोगों को मैं अपनी साड़ी दिखाती हूँ कैसी है मेरी साड़ी, बहुत प्यारी है। सो गाइस चलिए मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ, ये देखिए ये कैसी लग रही है आपको मेरी साड़ी, बहुत सुंदर है वैसे। अब ये जो साड़ी है मैं बहुत जल्द पहनने वाली हूँ मार्च में, आप लोग देखेंगे बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोस और बताना कि मैं कैसी लग रही थी। कलर भी बहुत प्यारा सा है, मतलब लाइट पिंक है, हल्का बेबी पिंक में है, बहुत प्यारा सा कलर है, वर्क भी है, बहुत सुंदर सा है, नेट की साड़ी है ऐसे, नीचे नीचे पूरा वर्क जो है दिया गया है ना। मैंने अपने लिए साड़ी ले ली और हबी ने भी कपड़े लिए अपने लिए, हबी का भी पता सेम कैसा है, मतलब सेम हम ना मैचिंग मैचिंग पहनेंगे, तो उनका जो कपड़ा है मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, आप लोगों के लिए सरप्राइज है, आप लोग ना हैरान हो जाओगे कि हम दोनों ना उस दिन सेम कपल लगने वाले, कि उनका भी सेम मतलब सेम सेम कपड़े पहनने वाले हैं, पूरा कपल ड्रेस मैचिंग मैचिंग, इतना सुंदर सा है उनका भी बहुत अच्छा है, तो उस दिन हम पहनेंगे मैचिंग मैचिंग, मतलब ब्राइड एंड ग्रूम भी मैचिंग मैचिंग रहेंगे और हम भी। अब मैंने यहाँ पर उसके बाद मैंने ली थी बैंगल्स, मैं अपने बैंगल दिखाती हूँ आपको, ये देखिए साड़ी के साथ पूरी मैचिंग हो रही है ना, ये पिंक ये जो पिंक वाली है ना ये वाली, ये तो मैंने सदर से ले ली थी, उसके बाद जितने भी मैंने सिल्वर लगाए ना सिल्वर कलर के जो हैं, और ये जो मल्टी चूड़ियाँ हैं, ये जितने भी चूड़ियाँ हैं ना मैंने यहाँ से ली अपने पास की दुकान से, बाकी जो पिंक वाले थे मैं चांदनी चौक से ली थी, बाकी और मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आराम से दुकान में जाकर सेट बना के देख के लूँगी कैसा कैसा अच्छा लग रहा है, तो मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर सा लग रहा था, पूरी सेट वाली चूड़ियाँ ये जो है ना, तो ये एक हाथ की है, मतलब पूरी ना भरी भरी हाथ पहनने वाली हूँ मैं, ये एक हाथ की है और भी एक हाथ की ना बॉक्स में है। सो कैसी लगी, मैंने ना पूरी अपनी साड़ी के साथ मैचिंग लिया, कैसी लग रही आपको मेरी बैंगल सेट, और मैंने ट्राई करके देखा था तो सुंदर सा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। गाइस मेरे को मालूम ही नहीं है कि ना जो बैंगल सेट है हाथ में पहनने के लिए, जो चूड़ियाँ इतनी महंगी महंगी आती, इतनी एक्सपेंसिव रेट में आते ना, मुझे पता ही नहीं चलता था। मैंने इससे पहले ना चूड़ियाँ जो है ज़्यादा नहीं खरीदी थी हाथों की, शादी के बाद तो मैंने बहुत टाइम तक मैंने जो है हाथों में चूड़ा पहन के रखा था, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मुझे शादी में मिली थी ना मैं वही डालती थी, अब मैंने साड़ी ली थी साड़ी के साथ मैंने मैचिंग जो चूड़ियाँ खरीदी ना इतनी महंगे महंगे रेट बताते हैं, मतलब यही पूरे हाथ के ना मुझे इतने महंगे पड़ गए ना चूड़ियाँ, क्या बताऊँ पूरे 500 के, मतलब 2 हाथ में पहनने के लिए 500 का सेट बना है मेरा पूरा, सिर्फ 2 हाथ के लिए 500 का सेट बना है। इसमें 3 तरह की चूड़ियाँ हैं और तीनों के रेट अलग अलग थे, 2 मैंने सदर से लिए थे, 2 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन मैंने अपने यहाँ से लिए थे। अब मुझे पता नहीं था कि जो बैंगल्स हैं ना इतने महंगे महंगे रेट में आते हैं, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, देखिए मेरा बैंगल्स। सो गाइज कैसी लगी, अभी अभी ना मार्च में, मार्च वाला जो महीना है व्लॉग से ना मतलब बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से व्लॉग आएंगे, मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि जाऊँगी मैं अपने ससुराल नंदी की शादी है ना, तो वहाँ पर या काम वगैरह ज़्यादा होते हैं व्लॉग में, कोशिश करूँगी बहुत अच्छे अच्छे जो हर हमारे में जो भी रस्म होता है कुछ भी हमारा जो है शादी का रस्म होगा एंड फेरे उरे की हर एक वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी आप सभी के लिए, आप लोग ज़रूर देखिएगा मार्च का जो व्लॉग है ना, बहुत अच्छे अच्छे जो व्लॉग है आने वाले हैं। और ये जो व्लॉग है यहीं तक खत्म होता है, इसके बाद मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाय बाय गाइस, आप लोगों अपना प्यार से देते रहिए, एंड वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक नहीं करते, चैनल पर व्यू चले जाते हैं बट मुझे लाइक नहीं मिलता, गलत बात है, अगर देखते हो तो बस एक लाइक देने में ना कुछ नहीं जाता है ना,
नेट तो आपके आप लोगों के वैसे भी यूज हो ही जाते हैं, तो लाइक कर दिया करो गाइज, ऐसा नहीं लाइक देने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है? और बस बस, बाय बाय, टाटा।